एक व्यूवर का क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ सडन क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक या एकाएक, जो सडनली के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो मीनिंग सडनली का वही मीनिंग ऑल ऑफ अ सडन का। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग ऑल ऑफ सडन की जगह पर लिखते हैं ऑल ऑफ द सडन, यानी आर्टिकल ए के जगह पर लिखते हैं आर्टिकल द, जो कि गलत है। आप ऐसा न करें, ऑल ऑफ द सडन रॉन्ग कंसेप्ट है, इसीलिए आप हमेशा कहेंगे ऑल ऑफ अ सडन। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। अगर आपको कहना हो अचानक वो पीछे मुड़ा और मुझे देखा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ऑल ऑफ अ सडन ही टर्न्ड बैक एंड सॉ मी। अगर आपको कहना हो अचानक कार नीचे गिर गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ऑल ऑफ अ सडन द कार फेल डाउन, यानी अचानक कार नीचे चली गई। अचानक हम लोग एक चीख सुने, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ऑल ऑफ अ सडन वी हर्ड अ क्राइंग। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने सीखा ऑल ऑफ अ सडन क्या है। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।